पूर्णिया जिला प्रशासन का ऑपरेशन क्लीन जारी है, जहां अतिक्रमण से शहर को मुक्ति दिलाने के लिए अधिकारियों की टीम सड़कों पर डटी है। लगातार शहर में प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। वहीं एशिया का सबसे बड़ा मक्के का मंडी कहे जाने वाले गुलाब बाग में प्रशासन का बुलडोजर क्या चला, लोगों की दुनिया ही उजड़ गई। गुलाब बाग पूर्णिया में बड़े बड़े थोक विक्रेता के रूप में विगत कई सालों से दुकानें थी, जिससे इन व्यवसायियों का घर गृहस्थी चलता था। वहीं इनके दुकानों को तोड़ देने के बाद सभी दुकानदार सड़क पर आ गए हैं, साथ ही इनके जीवन यापन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। वैसे ये लोग ठेले पर दुकान लगाते तो हैं, लेकिन बिक्री नहीं हो पाती है। वहीं इन सारे प्रकरण को लेकर जिलाधिकारी सुहर्ष भगत ने कहा, गुलाब बाग में गंगा दार्जिलिंग रोड पर अतिक्रमण को मुक्त कराया जा रहा है, जिससे पार्किंग और यातायात सुलभ हो पाएगा। 2 माइल पे जो गंगा दार्जिलिंग पथ है, इसकी चौड़ाई करीब 200 मीटर है और ये इंक्रोचमेंट के जद में था, तो हम लोग बेहतर टाउन प्लानिंग के तहत इस एरिया को अतिक्रमण मुक्त कराने का ड्राइव कर रहे हैं। गाड़ियों की पार्किंग की समुचित व्यवस्था हो, शहर का और सौंदर्यीकरण हो, और जो अनऑथोराइज्ड जो रोड एक्सीडेंट्स में भी यहाँ पे बहुत हमारा ब्लैक स्पॉट है, ये 0 माइल, यहाँ पे लास्ट एक वर्ष में कई घटनाएं दुर्घटनाएं हुई हैं, तो उसको लेकर के यहाँ पे आम नागरिकों के भी सुरक्षा के लिए है, रोड सेफ्टी के लिए भी, शहर के सौंदर्यीकरण के लिए भी और पब्लिक कम्युनिटीज़ को और बेहतर सुधारने के लिए ये ड्राइव चलाया जा रहा है। ये अनवरत चलेगा और जो मेजर रोड्स हैं, NH है और जो डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पे टाउन का जो मेजर रोड है, उस पर यह अतिक्रमण चलेगा। विगत 1 महीने से सघन अनाउंसमेंट की गई है और जो पक्का अतिक्रमण है उसको भी नोटिस देकर के नियमानुकूल अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। सभी से अपेक्षा यही है कि सब लोग बहुत अच्छा सहयोग हम लोग को प्राप्त हो रहा है, बहुत पॉजिटिव माहौल में हम लोग इसको करवा रहे हैं। सारे पब्लिक से मैं अपने डिस्ट्रिक्ट के लोगों से, जिलावासियों से, शहरवासियों से अपील भी करूँगा कि इसमें अधिक से अधिक सहयोग करें। बहरहाल सरकार के आदेश का जिला प्रशासन ने 100% पालन किया है, लेकिन वहीं दूसरी ओर इन व्यवसायियों के दुकान उजड़ जाने से इन लोगों के सामने भूखे मरने की नौबत आ गई है। व्यवसायियों ने बताया कि हम लोगों के पास खाने पीने की दिक्कत तो है ही, साथ ही हमारे बाल बच्चों की पढ़ाई भी छूट गई है। पूरा कदर से कहते रहे कि रुक जाइए भैया, हम हटा रहे हैं, सब टीना टीना का ऐसे ऐसे मसल मसल के तोड़ दिया है, क्या करेंगे? खाने का आफत है, पानी का आफत है, हर चीज़ तो मोले मिलता है, कौन चीज़ मिलता है मंगनी में? और वैसे व्यवस्था देखिए, वहाँ जाकर के कैसे ईंटा पत्थर पर बैठे हुए लेकर के वो धूपा में ही उम्र में मट्टियों कोर के ले जाए, गड्ढो खुन दिया, जो होता वो जनता प्लेन होता बैठो करते उसको भी गड्ढा खुन के रख दिया। पूर्वजों से ही यहाँ पे दुकानदारी करते आ रहा था, जो कि रोड में जीवन पालन पोषण कर रहा था, और वह स्थिति आज हो गया तोड़ने के बाद, जो हमारे बाल बच्चे सब भूखे मर रहे हैं और खाने पीने की भी स्थिति में जो है ना बहुत दिक्कत आ रही है, और लोन लेके भी काम कर रहे हैं जो कि लोन भी नहीं चुका पा रहे हैं, यह अवस्था हो गया हम लोग को। अभी तो स्थिति बहुत तोड़ने के बाद जो स्थिति बहुत ख़राब हो गई है, जो कि जीवन पालन पोषण कर रहे थे और तोड़ने के बाद जो है ना बाल बच्चे सब रोड पर आ गए हैं, खाने पीने के ललायित हो रहे हैं और बाल बच्चे भी पढ़ नहीं पा रहे ढंग से। हो गया सोमवार से, तो हम लोग को जो है बहुत दिक्कत हो रहा, इसी से खाते पीते थे, यहीं पर दुकान कर रहे थे, बाल बच्चा का अपना पढ़ाई लिखाई इसी से अपना जीवन चल रहा, स्थिति बहुत खराब है, ठेला पर अभी कर रहे हैं दुकान। जाहिर है जिला प्रशासन तो शहर को क्लीन करने में लगा हुआ है, लेकिन उनका क्या, जिनका जीवन ही सड़क किनारे बने दुकानों पर निर्भर था, जिनके व्यवसाय पर ही उनके घर का चूल्हा जलता था, क्या सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उन्हें हटाने से पहले उनके व्यवसाय को सुचारू रूप से चलने की सुविधा दी जाए? क्या सिर्फ सड़क साफ करने से ही जिला समृद्ध हो जाएगा? देशवा न्यूज के लिए पूर्णिया से श्याम नंदन की रिपोर्ट। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।